हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम सेना बंगाल की ओर से एक भव्य विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम सेना बंगाल की ओर से इस वर्ष हमारे प्रतिनिधि से अपनी संस्था के तरफ से कुछ वक्तव्य श्री राम सेना के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हमारे समक्ष रखे हैं। सर्वप्रथम सभी राम भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम। श्री राम सेना बंगाल की तरफ से आप सभी को प्रणाम। इस बार श्री राम सेना बंगाल ही नहीं और भी बहुत सारे सनातनी हैं जो कि अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं और यहाँ से अच्छी खासी एक संख्या निकल रही है सेवा सनातन श्री राम जी के शोभा यात्रा के लिए। हमारा यात्रा शुरू होगा गणेश टाकी से, स्टार्ट होकर के बैकुंठनाथ मंदिर तक जाएगा। बैकुंठनाथ मंदिर से कलाकार स्ट्रीट, महात्मा गांधी रोड होते हुए मछुआ फल मंडी से रास्ता निकलते हुए सीधा हमारा बाबा भूतनाथ तक आरती और हनुमान चालीसा के साथ संपन्न। बंगाल सरकार विभिन्न जगहों पे संवेदनशील बोल के हाईकोर्ट में बारंबार याचिका दायर करती है कि रामनवमी के जुलूस में कुछ भी अनहोनी हो सकता है, इसलिए रामनवमी का जुलूस निकाला जाए। इसको आप किस नजर से देख सकते? देखिए, अब हमारे बंगाल सरकार को अगर ये लगता है कि इस जुलूस के द्वारा, इस शोभा यात्रा के द्वारा किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही हो या किसी कोई इससे आहत हो रहा हो, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है। हमारे सनातन धर्म से किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा, न किसी प्रकार का कुछ ऐसा होगा। हाँ, कुछ एक जरूरी बात है ये, क्योंकि जिस तरीके से हर बार शोभा यात्रा के ऊपर कहीं ना कहीं हमला होता हुआ आया है, ये ना हो, हम भी ऐसा चाहते हैं और ना ही हमारे कोई सनातन धर्म से इन सब चीज़ों पर विश्वास करता है। हम लोग एक ही बात सिद्ध रखना चाहते हैं कि भैया ये हमारा सनातन धर्म है, हम इसको प्यार से, संस्कार से, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं।